विज्ञान रिसर्च सेंटर जो उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य लखनऊ के निकट उसका वहां प्रस्थापित हो रहा है और उसके रूपरेखा के लिए ये वर्कशॉप है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिसमें स्वास्थ्य का भी एक वहाँ एक प्रकल्प होगा और एक वर्टिकल वहां पे प्रस्थापित होगा। तो मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से हम क्या कर सकते हैं तो इसके बारे में भी बताऊं। उसके पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण 2017 में किया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत एक टर्शरी केयर सेंटर जो एम्स फॉर आयुर्वेद ऐसे उसको एक प्रस्थापित करना ऐसा सपना था कि पूरे देश विदेश में से एक रोल मॉडल हो कि जो एम्स जैसा आईआईटी या आईआईएससी जैसा एक प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस के साथ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पूरे दुनिया में अगर उसको रिकॉग्निशन देना है हमारे सिस्टम में तो एक रिसर्च होना चाहिए, एक एविडेंस बेस्ड मॉडल होना चाहिए। इसी के लिए इस संस्थान का निर्माण किया गया। तो उसमें हमारा एक हॉस्पिटल है जिसमें आज तक 24 लाख पेशेंट को हमने 6 साल में 46 स्पेशलिटी यूनिट में उनको हमने चिकित्सा दी है। और एक मॉडल है होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड, इसका मतलब ये है कि होलिस्टिक आयुर्वेद की एक समग्र चिकित्सा है जिसमें पंचकर्म, डाइट, लाइफस्टाइल, योग, मेडिटेशन इन सबको साथ में लेके हुए। अभी जैसे महानुभाव एक वैज्ञानिक ने कहा था कि आहार विहार आचार और उसके साथ पंचकर्म को भी साथ में डोलते हुए औषधि को देते हुए उसकी जो मापदंड है उसका डायग्नोसिस इज विद द कन्वेंशनल जी डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे रेडियोलॉजी हिमाटोलॉजी ऐसे सभी से करते हैं। और आधुनिक इन्वेस्टिगेशन विद ऑल टेक्नोलॉजी एंड दी मेडिसिन इज ऑल आयुर्वेद ऐसा एक मॉडल है। और होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड इसीलिए है और जरूरत पड़े तो को-लोकेशन ऑफ द एलोपैथी डॉक्टर भी है। तो ये एक जो सक्सेस मॉडल है इसी को ही नीति आयोग में भी हमने एक अल्गोरिदम बनाया है। तो ये जब वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगी कि जिसमें हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस चाहिए, वेद से ही आयुर्वेद है, आयुर्वेद इज अ उपवेद ऑफ अथर्ववेद ऐसे कहा जाता है। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो क्लासिकल है ट्रेडिशनल है लेकिन आज के दिन में भी वो रेलेवेंट है। सो क्लासिकल येट कंटेम्पररी ऐसी क्या हम पद्धति दुनिया के सामने ला सकते हैं, इसीलिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी 12th स्ट्रीम में स्पेशलिटी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर है और डॉक्टरल प्रोग्राम भी 12th स्पेशलिटी में पीएचडी प्रोग्राम है। तो आज तक 540 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स ने प्रवेश करके उसके हमारे 1500 पब्लिकेशन है और दिस इज अ नैक A++ इंस्टीट्यूशन। और उसका एक्सटेंशन गोवा में भी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल में अभी किया और हमारे 200 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल भी है। और एक्सटेंशन सेंटर कहीं लबासना मसूरी में सुप्रीम कोर्ट में एलोपैथी में आयुर्वेद जैसे सफदरजंग में या केवड़िया में है। एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव एक्सटेंशन सेंटर एट वैदिक विज्ञान रिसर्च सेंटर बिकॉज दिस इज अ ट्रू मॉडल वेयर रिसर्च एविडेंस टू आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन बी कंडक्टेड। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन एंड वी हैव द एक्सपीरियंस वेयर जो अभी के जो मॉडल है रिसर्च के जिसमें एप्पल इज कंपेयर्ड विथ ऑरेंजेस क्योंकि हमारी अपनी धरोहर है और उसका तत्व ज्ञान मतलब तत्व शास्त्र और व्यवहार जो है फिलोसॉफी अपनी हो। जो आयुर्वेद कहता है कि पंच महाभूतों से ये पूरी सृष्टि का निर्माण है उसी का ही हिस्सा व्यक्ति है, वनस्पति भी है और जीव जंतु भी है। तो इट इज अ वन हेल्थ। सो वी कैन एस्टेब्लिश दिस मॉडल एट वैदिक विज्ञान रिसर्च सेंटर वेयर दी आयुर्वेद एज अ उपवेद ऑफ अथर्ववेद कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस ट्रू मॉडल ऑफ पंच महाभूतों का जो है वो वही वी कैन एस्टेब्लिश इन एवरी एलिमेंट्स पृथ्वी आप
वोल्टेज और उसी का ही हिस्सा ह्यूमन बीइंग कैसा है, हाउ दी सामंजस्य द हार्मनी कैन बी क्रिएटेड विथ दी एनवायरमेंट विथ दी प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग एंड आई थिंक दैट मॉडल इज द बेस्ट मॉडल फॉर द प्रिवेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड फॉर द ट्रीटमेंट. क्योंकि वैदिक कालीन अगर स्वास्थ्य पद्धति का हम सोच विचार करें कि जो आयुर्वेद में भी है तो वहां त्रिविध चिकित्सा और त्रिविध रोग थे आध्यात्मिक आदि भौतिक और उसी का ही अगर चिकित्सा करें तो अथर्वणी अंगिरसी है वही आयुर्वेद की जो तीन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है कि जो रैशनल मैनेजमेंट जो मेडिसिन की फिजिकल की है वो युक्ति व्यापाश्रय है मेंटल हेल्थ के लिए हम सत्वावजय करते हैं और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए दैव व्यापाश्रय मणि मंत्र और औषध सभी से. तो ये सबको हम अगर डिपिक करके उसका एक अनुसंधान रिसर्च मॉडल वहां हम करें तो आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ एंड वी कैन एग्जीक्यूट. क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी रोज हम हवन करते हैं रोज हम एक अग्निहोत्र करते हैं और उसका जो एनवायरमेंट में माइक्रोब्स कम होते हैं दैट वी आर ट्राइंग टू असेस विद द कन्वेंशनल टूल कि जिससे वो वातावरण में पॉल्यूशन कम करने में क्या उसकी मदद होती है. सो आई थिंक वी कैन एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ मॉडल्स इन वैदिक विज्ञान रिसर्च सेंटर. अगेन वी हैव नक्षत्र वाटिका जो एक मेडिसिनल प्लांट हम गार्डन करें जो वहां आप ऋषियों से जो नामकरण करके पौधे लगा रहे हैं तो वी हैव नक्षत्र वाटिका ग्रह वाटिका ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे कि उज्जैन में एक वहाँ एक वेद पाठशाला है और जिसमें ये 14 विद्या 64 कला में एक आयुर्वेद ज्योतिष व्याकरण न्याय ऐसे सभी उस समय संदीपनी आश्रम में दिखाया है. सो इट हैज द ओरिजिन फ्रॉम द वेद. सो वी कैन डिपिक्ट ऑल आर ट्रेडिशंस विच वॉज मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑल्सो इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है एंड विच इज मोस्ट रेलेवेंट टू टूडेज टाइम. तो ये हम वहाँ डिपिक्ट कर सकते एंड वी हैव ऑल दो सक्सेस मॉडल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो हमारे 1500 पब्लिकेशन है उसके अनुसार कर सकते हैं. मेडिसिनल प्लांट गार्डन क्योंकि चूंकि मैं भी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सीईओ रही एंड वी हैव रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर इन द नॉर्दर्न बेल्ट ऑल्सो. तो हम एक डेमो गार्डन कर सकते हैं जिसमें एक थीमेटिक एरियाज हम वेदों से कैसा इवोल्यूशन हुआ क्योंकि वेदों में भी बहुत सारे अकरांथस एस्पेरा अपामार्ग ऐसे कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है जो आज भी हम यूज करते हैं. तो ये इवोल्यूशनर प्रोसीजर कैसे हुई प्रोसेस कैसे हुई हाउ वी हैव एनरिच आर मटेरिया मेडिका. तो ये अगर हम डिपिक करके हुए आज तक हम कैसे लाए उसका एक फ्लो हम वहां मेंटेन करेंगे उसके साइंटिफिक नाम नेमिंग नेम प्लेट हम कर सकते हैं और एक थीमेटिक जैसे मैंने कहा नक्षत्र ग्रह वाटिका और एक डिसीज बेस्ड जो जरूरत है इम्यूनिटी के लिए ऐसे हम मेडिसिनल प्लांट्स को हम वैदिक काल में क्या मेडिसिनल प्लांट थी संहिता काल में क्या है ऐसा हम वहां कर सकते हैं. एंड आई एंश्योर दैट वी कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर ऑथेंटिकेशन टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन हम उसका कर सकते हैं. दूसरा जैसे अभी कहा था कि जो हैदराबाद में जो वहाँ की जो बहुत बड़ा कैंपस है हार्टफुलनेस मेडिसिन का उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया है कि एक चारकोल बेस्ड बहुत अच्छा एक ग्रीन जमीन को फर्टाइल सॉइल को फर्टाइल करते हुए एक सक्सेस मॉडल मेडिसिनल प्लांट गार्डन का पीस जो एक वो वहाँ एक फॉरेस्ट जैसा ही बना है. सो वी कैन क्रिएट द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द ग्रीन प्लांटेशन विच इज हेल्दी एंड हैविंग द रेलेवेंस वो हम वहाँ कर सकते हैं. एक मेडिटेशन करना है तो ओपन बेस पे हम उसका वो प्रावधान वहाँ कर सकते हैं और हमारे इंडियन मेडिसिनल सिस्टम को वैलिडेट करना है तो वह हमें हमें एक इंटीग्रेटेड बायोफिजिक्स
सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल लैब, फार्माकोलॉजी लैब, माइंड बॉडी की जो एक लैब है वो भी हम एस्टेब्लिश करें, तो हमारे ही शास्त्र को, साइंस को, एज अ साइंस नॉलेज सिस्टम है, उनको हम वहाँ एस्टेब्लिश करके वहां से हम पब्लिकेशंस वर्ल्ड रिनाउंड इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट जर्नल में कर सकते हैं। वॉट आई वुड अगेन अर्ज, क्योंकि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमने शुरू में ही एक आयु केयर करके हमारा एक पीयर रिव्यूड मेडनो यूजीसी केयर हमने जर्नल किया, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद रिसर्च वो हम प्रकाशित करते हैं, जो पीयर रिव्यूड है, इंडेक्स भी अभी है, यूजीसी केयर में एनलिस्टेड है। तो ये वैदिक रिसर्च संस्थान का एक पब्लिकेशन विंग हो, जिसमें जो जो सक्सेस स्टोरीज है एंड जो अनुसंधान हो रहा है वो दुनिया के सामने तुरंत जाए, तो आई थिंक दैट ऑल्सो शुड बी देयर, एंड वी कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव दिस पब्लिकेशन विंग। रिसर्च लैब एस्टेब्लिश करेंगे, गार्डन एस्टेब्लिश करेंगे, और एक जो मेडिकल टूरिज्म का हिस्सा है जो केवड़िया में कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सरकार का एक विजन है हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, तो एक वेलनेस टूरिज्म का एक इंडिया एक डेस्टिनेशन है, तो वैदिक विज्ञान में अगर बहुत ग्रीन हेल्दी काम पीसफुल कैंपस में कोई दुनिया के सभी विद्वान वहां आना चाहते हैं, और कोई भी वहां आके एक एहसास करना चाहते हैं वैदिक संस्कृति का, तो वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द वेलनेस क्लिनिक देयर, एक हेल्थ होलिस्टिक वेलबींग और वेलनेस क्लिनिक हम वहां कर सकते हैं। वहां वैदिक फूड, हेल्दी लिविंग, डाइट, लाइफस्टाइल और रहना, और इसी का भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक स्वस्थ वृत्त दिनचर्या और ऋतुचर्या का एक विंग है जिसको हम स्वस्थ वृत्त विभाग कहते हैं, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति का, हर एक पेशेंट का, हर एक चीज का हम एक डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं, एंड दैट आल्सो कैन बी वैलिडेटेड विद द साइंटिफिक रिसर्च टूल, एंड मे बी ड्यूरिंग द प्रोसेस वी कैन आल्सो पब्लिश इट। द लास्टली एक स्किलिंग का प्रोग्राम है, वी हैव द स्किल काउंसिल, कि जिसमें हम कहते तो जरूर है कि आयुर्वेद इज अ जर्नी फ्रॉम वेलनेस टू इलनेस टू हैप्पीनेस, बट पीपल आर नॉट अवेयर, उनको जड़ी बूटी दादी माँ नानी माँ के नुस्खे तक पता है, बट आयुर्वेद इज ऑल्सो नॉलेज सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए 300 साल पहले, तो यहाँ की जनता हमारे ही धरोहर से, जो वेद से उसका उत्थान हुआ, उसी से ही स्वास्थ्य की रक्षा करती थी। टू क्रिएट एन अवेयरनेस वी कैन क्रिएट दी मॉड्यूल वेयर वो सर्टिफाइड दी काउंसलर, हम वहां से तैयार कर सकते हैं, वहां सबसे जरूरी स्किलिंग प्रोग्राम की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, वो आरोग्य रक्षक कहे, स्वास्थ्य रक्षक कहे, न्यूट्रिशनल काउंसलर, डाइट काउंसलर या साइकोलॉजी के काउंसलर है, कि जो आयुर्वेद की ये धरोहर वेद से आई है उसका हम स्किलिंग कर सकते हैं, और वो वही से सभी जगह सर्टिफिकेशन, जो हमारे 12 कोर्सेस है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रजिस्टर्ड है, वहां हम स्किलिंग एक कंपोनेंट हम वहां भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दीज आर मेनी थिंग्स, एंड मेनी थिंग्स आर टू बी टोल्ड, एंड कहने से करने में हम ज्यादा विश्वास रखते हैं, सो वॉट एवर इज बीइंग गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट, बाय दिस कमिटी ऑफ द एमिनेंट एक्सपर्ट, विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट एंड बी द पार्ट ऑफ दिस नोवेल प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनुजा जी। अब मैं मैडम आई विल रिपीट, आई एम अवनीश अवस्थी हियर। आई हैव बीन आस्क्ड टू बी हियर बाय नमस्ते चीफ सर। सेक्रेटरी मुकेश। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट दैट दी इंस्टीट्यूशन दैट इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर योर इंफॉर्मेशन, The Honorable Chief Minister, in his own institution, has started a new Ayurved University. ओके In fact, सर।
हाँ, सो ही स्टार्टेड एन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एंड वेरी स्ट्रांगली फील्स दैट आर सिस्टम्स ऑफ चिकित्सा एंड उपचार शुड ऑल गो टुवर्ड्स दिस लॉन्ग टर्म. हमारी जो अपनी धरोहर है उस नॉलेज पर जाना चाहिए राधर देन गोइंग ऑन द एलोपैथिक साइड. सो ही पर्सनली फील्स दैट एंड ही कीप्स कन्विंसिंग ऑल ऑफ अस दैट आप लोग जो ये पूरा सिस्टम्स बनाए हो इसमें कहीं ना कहीं चेंज लाने की लॉन्ग टर्म जरूरत है. बट कमिंग टू द पॉइंट, ये जो सेंटर बनाया जाना है इसका जो है इसमें क्या खाका होना चाहिए जो आपकी तरफ का है जी उसका 1 or 2 pages जरूर एज अ फॉलो अप इन द नेक्स्ट 10-15 days भेजिए जरूर. सो दैट जरूर अगर वैदिक साइंसेस में हाउ डू वी इंटीग्रेट दिस एंटायर आयुर्वेदा एंड इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर विच कंटिन्यूज टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस, तो उसको कैसे इसके साथ मर्ज कर सकते हैं आपके एरिया से इसको जी जरूर पिकअप करिए. बिल्कुल एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट पीपल लाइक यू हु आर स्टॉलवर्ट्स यू शुड बी ऑन द बोर्ड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लाइक दिस. सो यस ये श्योर एंड वील डेफिनेटली लाइक टू विजिट वंस टू द प्लेस. थैंक यू सो वेरी मच. नहीं, अभी तो आप जाएंगे नैमिष तो वहां ज्यादा कुछ दिखेगा ही नहीं भाई जान. अच्छा, हाँ तो ये हाँ रूपरेखा में ही हम पार्ट रहेंगे. जब और लोग जैसे अयोध्या पहली बार गए थे 2019 में जब टेंपल का आदेश आया था तो वहां ज्यादा कुछ था ही नहीं, अब एकदम से सब कुछ खड़ा हो गया है. तो ओके ओके वी नाउ वांट टू सी इन नेक्स्ट 3 years की क्या होना है. बट आपकी तरफ से एक इनपुट फॉर्मल आ जाए. आई एम बिल्कुल स्ट्रेसिंग दिस अगेन अगेन फॉर एवरी स्पीकर सो दैट वी हैव ऑल द इनपुट्स एज अ फॉलो अप टू दिस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू. बिल्कुल सर. Thank you.